बीजेपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कहा कि अपने फायदे के लिए काम कर रही है दिल्ली सरकार। तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है किसान सम्मान निधि, उसका भी कोई लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता है। और इस सब बातों का जिम्मेदार, किसानों की बदहाली का जिम्मेदार दिल्ली के अंदर, जहां एग्रीकल्चर लैंड आज कोई भी परिवार जिसके यहाँ पुरानी पुस्तैनी जमीनें हैं, उनके बाप दादाओं की जमीनें थी, जो बच्चे आ गए हैं उनके नाम राशि पारित नहीं हो रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो दिल्ली का, जिसको ये काम करना था वो काम नहीं कर रहा, और इसका नुकसान किसानों को हो रहा है, उनके परिवारों को हो रहा है। इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के लोग, जहाँ एक और जंतर मंतर पर गजेंद्र सिंह जो किसान जो सुसाइड कर रहे थे उनको तमाशा के लिए देख रहे थे, उस समय के आपको दिख जाएंगे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और दूसरी तरफ जब किसानों के लिए मोदी जी काम करते हैं तो संसद में उनके जो सांसद हैं वो इस तरह का अमर्यादित व्यवहार करते हैं, जैसे किसान के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं उसके बारे में भ्रामक प्रचार करते हैं। तो मैं आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली की जनता जानती है कि जो किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है वो दिल्ली सरकार बंद करे, किसानों को किसान का दर्जा मिले, और उनके जितनी भी किसानों के कल्टीवेटर, हैरो, लेवलिंग मशीन, कटाई मशीन, ये जितनी भी यंत्र हैं खरीद में, उनको सब्सिडी दी जाए, बिजली में सब्सिडी दी जाए, पानी में सुविधा दी जाए, उनको ट्यूबवेल लगाने की अनुमति दी जाए। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एक मामला, अभी कल ही किसानों ने दिल्ली के जो नजफगढ़ क्षेत्र के कुछ किसान हैं जिन्होंने कल उनको ज्ञापन दिया है, एक बहुत बड़ा रास्ता एक गांव है वहां पर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है जहां पर लो लाइन एरिया है, पूरे साल भर पानी भरा रहता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन है जिनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही करे ताकि वो जो जमीन है जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ किसान अपनी खेती कर सके। वो सरकारी जगह नहीं है, वो किसानों की जगह है, लेकिन दिल्ली सरकार आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ नई दिल्ली क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद और प्रखर प्रवक्ता बहन मीनाक्षी लेखी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, नवीन जी, हरीश खुराना जी, निशा पांडे जी, और सभी यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया विभाग के सभी प्रवक्ता, मीडिया के सभी साथियों, फोटोग्राफर बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू, और अगर उसको यूं कहें कि जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमेशा ही राजनीति करती आई है, जब उसका जन्म हुआ था उन्होंने किसानों के नाम पर जो राजनीति की थी, जंतर मंतर पर आपने देखा हमारी बैकड्रॉप में जो दिख रहा है, जंतर मंतर पर एक किसान गजेंद्र सिंह जिस समय सुसाइड कर रहे थे उस समय आम आदमी पार्टी के नेता हंस रहे थे और खिल्ली उड़ा रहे थे, उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब था। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भी वही परिदृश्य संसद के अंदर दिखा है, जब आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य किसानों के बिल को लेकर जो अमर्यादित व्यवहार उन्होंने किया है वो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां एक ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से लगातार किसानों के विकास के लिए, किसानों के हितों के लिए काम करते रहे हैं, और ये किसान बिल में भी उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने का काम किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, किसान
क्रेडिट कार्ड की बात हो, या फसल बीमा योजना हो, या सॉयल हेल्थ कार्ड हो, या फिर एफपीओ बनाने की बात हो, ये सारी किसानों के लिए काम की है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट जिसको लागू नहीं किया कांग्रेस ने, उसको लागू करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि जो आम आदमी पार्टी इन किसान बिल के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है, भ्रामक प्रचार कर रही है, वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा नहीं दिया, मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसान को किसान का दर्जा देंगे। लगभग 20,000 से ज्यादा किसान दिल्ली के अंदर हैं और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लगभग ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और उनका मूल जो आजीविका है वो किसान के नाते है, एक खेती के नाते होती है। लेकिन उनको दिल्ली सरकार ना तो ट्रैक्टर की खरीद में कोई सब्सिडी है, ना ही कृषि यंत्रों में कोई सब्सिडी है, और यहाँ तक कि उनको सिंचाई सुविधा भी दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, अपनी तरफ से भी कोई सुविधा नहीं है, और अगर कोई किसान बोर कराना चाहता है, ट्यूबवेल लगाना चाहता है, तो उसको भी अनुमति नहीं दे रहा है दिल्ली सरकार, उसको भी अनुमति नहीं दे रही। ये दिल्ली सरकार का असली चेहरा है, ये केजरीवाल सरकार का असली चेहरा है। दिल्ली के किसानों को बिजली में कोई सब्सिडी नहीं, उल्टे बिजली महंगी दे रहे हैं, पानी महंगा है, पानी में कोई सब्सिडी नहीं है।